लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज फिर होगी बहस। पहले दिन मणिपुर में हिंसा के मामले पर हुई तीखी बहस। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे सरकार का पक्ष। बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन राठौर, लॉकेट चटर्जी और रामकृपाल यादव का रखेंगे पक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन कांग्रेस ने पीएम पर किया अटैक, पूछा पीएम कब तोड़ेंगे मौन व्रत, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर मणिपुर को नजरअंदाज करने का आरोप, कहा मणिपुर से दो सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। गौरव गोगोई ने कहा जैसे कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के सांसद को स्पीकर बनने का मौका दिया, वैसे ही बीजेपी को अपने मणिपुर सांसदों को वहां की स्थिति बताने का मौका देना चाहिए। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का तंज, कहा पीएम की लोकप्रियता को देखकर ही बना इंडिया, कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। सोनिया गांधी पर बीजेपी का डायरेक्ट हमला, निशिकांत दुबे बोले बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना एजेंडा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती। किरेन रिजिजू बोले गलत वक्त पर गलत प्रस्ताव लाया गया, विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट की इतनी चिंता पहले नहीं की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले पीएम मोदी इंडिया शब्द से डरते हैं, इसलिए हर रोज इंडिया पर निशाना साध रहे हैं। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा का तंज, कांग्रेस पार्टी जीतते हुए हारने में माहिर, देश के लोग तय करेंगे पीएम का नाम बोलना ही सही है या गलत। टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले बंगाल डेलीगेशन भेजा पर मणिपुर नहीं, वहां मर रहे लोगों पर सरकार को दिया नहीं आई। डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को बताया अहंकारी, मणिपुर पर संवेदनशील रही सरकार। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की, दंगा हत्या और बलात्कार के 10,000 मामले आए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच उद्धव गुट के नेता पर भड़के नारायण राणे, कहा बीजेपी पर उंगली उठाई तो औकात दिखा दूंगा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की नीति फूट डालो शासन करो की रही, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर आरोप, पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से बाकी सत्र के लिए सस्पेंड, सदन में अमर्यादित व्यवहार पर हुई कार्रवाई। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, इंडिया गठबंधन सांसदों ने माफी की मांग की। पीएम मोदी ने आज बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, सुबह 9:30 होगी कैबिनेट की मीटिंग। राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरा, मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की सभा में सीएम अशोक गहलोत भी होंगे शामिल, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है मानगढ़ धाम। भोपाल में आज राजभवन का घेराव करेगी बीएसपी, दलित आदिवासी उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरेगी। लखनऊ में आज अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव, लोगों को करेंगे संबोधित। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर भी लोगों को करेंगे संबोधित। शिवसेना के विधायकों के अपात्रता के मामले पर स्पीकर राहुल नार्वेकर का करेंगे सुनवाई, हर दिन एक विधायक को बयान देने और उनका पक्ष रखने का बुलाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग पर बोले कमलनाथ, जब देश की 82% आबादी हिंदू तो अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारत को माना हिंदू राष्ट्र, कहा क्या यह कहने की जरूरत है कि ये बहस का विषय भी है। यूपी उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में 5 सितंबर तक के लिए होंगे विधानसभा उपचुनाव, 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। 12 और 13 अगस्त को वायनाड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, सांसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली यात्रा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से मेघालय तक होगा, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और राजस्थान का करेंगे दौरा, रैलियों को करेंगे संबोधित। मल्लिकार्जुन खड़गे की असम नेताओं के साथ बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा असम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, हम संगठन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र 16 अगस्त को बुलाया गया, अधिसूचना की गई जारी। नूह हिंसा मामले में अब तक 142 केस दर्ज, 312 लोग गिरफ्तार, 106 पुलिस की हिरासत में। नूह हिंसा का नया वीडियो आया सामने, दंगाइयों के बीच फायरिंग करता नकाबपोश नजर आया, पत्थरबाज दंगाइयों की आड़ लेकर नकाबपोश ने की फायरिंग, गोली चलाने के बाद हुआ मौके से फरार। दूसरे वीडियो में बाइक सवार को पीटते हुए नजर आए दंगाई, बाइक सवार रहम की भीख मांगता रहा लेकिन दंगाई उस पर लाठी से पीटते रहे।
तीसरे वीडियो में दंगाइयों के दो ग्रुप आए नजर। एक ग्रुप ने सड़क पर सीधे ब्रजमंडल पर हमला किया, दूसरे ग्रुप ने छतों से किया पथराव। नू में इंटरनेट सेवाओं पर 11 अगस्त तक के लिए बैन। आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता को नहीं मिली नू जाने की इजाजत। डीजीपी से आज नू जाने के लिए मांगी थी इजाजत। नू दौरे पर जा रहे कांग्रेस के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। दीपेंद्र हुड्डा बोले, पुलिस ऐसी सतर्कता पहले दिखाती तो नहीं होती हिंसा। नू पुलिस प्रशासन की राजनीतिक दलों से अपील, 3 से 4 दिनों के लिए टाल दें। मेवात दौरा, हालात हो रहे हैं नॉर्मल। कांग्रेस विधायक के दंगाइयों को बच्चा बताने पर भड़के डिप्टी सीएम, कहा हिंसा में शामिल सभी पर होगी कार्रवाई। मुसलमानों के बहिष्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गुरुग्राम महापंचायत में कहा था मुसलमानों को रोजगार देने वाला गद्दार होगा। यूपी के मुरादाबाद में हुए 1980 दंगे की सच्चाई आई सामने। योगी सरकार ने सदन में पेश की रिपोर्ट। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पूर्व नियोजित था मुरादाबाद दंगा। आरएसएस और बीजेपी की भी कोई भूमिका नहीं। 1980 के मुरादाबाद दंगों के एसआईटी रिपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, लोगों को पता चलनी चाहिए सच्चाई। जनसंख्या के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही यूसीसी की बात करते हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, 6 सालों में नकल माफिया पर कसी लगा। यूसीसी लागू करने के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास, विपक्ष ने भी दिया समर्थन। एमओएस वी मुरलीधर का केरल सरकार पर निशाना, राज्यों से जुड़े मुद्दों को बजाय यूसीसी का प्रस्ताव लाए। पंजाब में अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, महिला जवान कर रही है चौकसी। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर करा काबू। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान आशंका, केमिकल होने की वजह से तेजी से भड़की आग। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, घरों से बाहर निकलने में परेशानी। आग की ऊंची लपटे की वजह से दहशत में आए लोग। हैदराबाद में तेजी से बढ़ रहा है वायरल फीवर, सरकारी अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में TRF का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। बांदीपुरा चेक पोस्ट से पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आतंकी, पुलिस असम राइफल्स और CRPF ने चलाया था चेकिंग अभियान। यूपी के गोरखपुर में थाना शाहपुर में पुलिस का चैलेंज, कैमरे से बचकर बाइक चलाने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम। पुलिस ने कैमरे के टेस्ट करने के लिए दी थी चुनौती, 10 अगस्त को होगा प्रतियोगिता। शाहपुर में पुलिस में लगाए गए हैं 3000 कैमरे। गोरखपुर में पुलिस चला रही है ऑपरेशन त्रिनेत्र, शहर की अब तीसरी आंख से हो रही निगरानी। गोरखपुर में लगाए गए हैं 18,000 कैमरे। दिल्ली के मयूर विहार में गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ कार्रवाई, 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने की संपत्ति जब्त। सुंदर भाटी पर 47 से अधिक मामले हैं दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का समन किया। 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अडलवाइस कंपनी के डायरेक्टर और चेयरमैन की हाईकोर्ट में याचिका। नितिन देसाई केस में FIR रद्द करने की अपील। BSF ने नॉर्थ 24 परगना में चांदी, दवा और शराब की बड़ी खेप बरामद की, बांग्लादेश से बसों के जरिए लाई जा रही थी खेप। 15 अगस्त से पहले पंजाब पुलिस अलर्ट, अमृतसर में निकाला गया फ्लैग मार्च। पंजाब के भटिंडा पुलिस का एक्शन, 4 किलो हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। फतेहाबाद में कोर्ट परिसर में एक शख्स पर हमला, गवाही देकर लौटे बबलू पर 3 लोगों ने अटैक किया। जज नीलकंठ गंजू मर्डर केस की नई सिरे से जांच करेगी जम्मू कश्मीर SIA। साल 1989 में आतंकियों ने की थी गंजू की हत्या। SIAI जांच का पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने किया स्वागत, कहा साजिश का हो सकेगा खुलासा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 1.5 किलो सोना बरामद किया।
उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी। भारी बारिश और तूफान और बिजली गिरने की वजह से चेतावनी जारी। उत्तराखंड के कोटद्वार में SDRF का रेस्क्यू अभियान। मालन नदी में फंसे 15 लोगों को बचाया। नदी में अचानक पानी भरने की वजह से फंसे थे 15 लोग। SDRF की टीम ने रस्सी के सहारे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रही बारिश को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिले के DM शामिल। CM ने अधिकारियों को सड़क पर मरम्मत करने का लिए निर्देश दिए। आपदा प्रभावित इलाकों में गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने को कहा। पंजाब के चंडीगढ़ में झमझमा बारिश, लोगों को गर्मी की वजह से मिली निजात, मौसम हुआ सुहाना। बिहार के शिवहर में भारी बारिश के बाद बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर, कई गांव में घुसा पानी। केजरीवाल सरकार ने कई प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग के निर्माण का भी रास्ता साफ। भोपाल में नए बने वन भवन का उद्घाटन। CM शिवराज ने एक पौधा भी लगाया। गुवाहाटी में अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन। अरुणाचल के CM पेमा खांडू कार्यक्रम में शामिल। असम सरकार के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव की पहल। मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन अभियान की शुरुआत। 3 साल में 60,300 हेक्टेयर जमीन पर पाम ऑयल के पेड़ लगाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड। किसानों की आय बढ़ना मदद। पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक। वहां के चुनाव आयोग ने 5 साल चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। इमरान को तोशाखाना मामले में हुई है 3 साल की सजा। इमरान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। फैसले को पूर्वग्रह से ग्रसित बताया। इमरान खान के वकील का आरोप, पूर्व PM को जेल में कीड़े मकोड़े वाले सेल में रखा गया। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ आज दे सकते हैं इस्तीफा। गठबंधन सरकार ने नेशनल असेंबली को भंग किए जाने का किया फैसला। लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के बाहर चाकूबाजी, एक घायल हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क पर रूस ने किया मिसाइल अटैक, 7 नागरिकों की मौत। रूस ने रिहायशी इलाकों पर दागे मिसाइल, 2 बहुमंजिला इमारत के साथ एक होटल, दुकानें और सरकारी इमारतें तबाह। यूक्रेन न्यूक्लियर बिजली प्लांट्स को दुरुस्त करने में जुटा। सर्दियों से पहले बिजली सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश। नॉर्वे में तूफान और बाढ़ में मचाई तबाही। लगातार 2 दिन की बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। दक्षिणी नॉर्वे में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों सड़कें हुई बंद, कई घर पानी में डूबे। सड़क बर्बाद होने के बाद से राहत के काम में आ रही है मुश्किल। हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू। स्वीडन में बारिश और बाढ़ का टूटा कहर। शहर में मंगलवार की रात घुसा बेकाबू नदी का पानी। स्पेन में गर्मी और हीट वेव की मार। मैड्रिड में पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक 44 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 2 दिन के लिए गर्मी का अलर्ट। पूर्वी रूस के याकुतिया क्षेत्र में जंगल की आग का कहर। 1.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बड़े इलाके में जल रही है जंगल की आग। भारत ने तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को हराया, 7 विकेट से दर्ज की जीत। 5 मैचों की T20 सीरीज में अभी भी टीम इंडिया 1-2 से है पीछे। फ्लोरिडा में 12 अगस्त को दोनों टीमें खेलेंगी अगला मैच। वेस्ट इंडीज ने 160 रन का दिया था टारगेट। भारत ने 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारत के ओपनर एक बार फिर से हुए फेल। यशस्वी जायसवाल 1 और शुभमन गिल 6 रन बना खराब। भारत के 2 विकेट गिरने के बाद सूर्य तिलक ने संभाली पारी। दोनों के बीच 87 रन की पार्टनरशिप हुई। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने खेली तूफानी पारी। 44 बॉल पर 83 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा ने खेली शानदार पारी। 37 बॉल पर 49 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए ब्रेंडन किंग ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। रोमन पावेल ने खेली 19 गेंदों पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी। भारत की ओर से कुलदीप ने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने संन्यास के फैसले से लिया यू टर्न। रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए एक बार फिर और लगाएंगे शोर। पाकिस्तान के बल्लेबाज फवाद आलम ने लिया संन्यास। साल 2007 में किया था इंटरनेशनल डेब्यू। BCCI ने चुकाया 1,159 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में 26 पदक जीते। PM मोदी ने दी बधाई। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पहली बार कोलंबिया।
सिडनी में इंग्लैंड की टीम से होगा मुकाबला। खराब फॉर्म से जुड़ रही है पीवी सिंधु और उनकी रैंकिंग में सुधार की अब कोशिश की जा रही है। दो स्थान के फायदे के साथ 15वें नंबर पर अब पहुंच गई है। मड्रिका फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की मलेशिया से होगी टक्कर। कुआलालपुर में होगा मुकाबला। आशा भोसले से खुद को बताया फिल्म लाइन की आखिरी मुगल का, फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आशा भोसले ने कहा कि कुछ भी नहीं भूली हूँ, इतनी सारी कहानियाँ हैं कि अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की नई मुश्किल। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने निर्माता को भेजा लीगल नोटिस। महाकाल मंदिर के पुजारियों की मांग, एडल्ट फिल्म से हटाए जाए शिव और महाकाल से रिलेटेड सीन्स। पुष्पा के पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का दिखा दमदार अंदाज। पुष्पा 2 के लिए फहाद फासिल का फर्स्ट लुक रिलीज। डॉन 3 में नहीं होंगे शाहरुख खान। फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा, लिखा नए युग में होगी शुरुआत। सुष्मिता सेन ने अपने लिए अभिनय को गोलियों ने बताया बेहतर दावेदार। कहा काम मुझे ज्यादा स्वस्थ रखता है।